मनाली बिना टूरिस्ट के बिल्कुल खाली खाली सा लगता है, ये हमें पिछले 3 महीनों में देखने के लिए मिला। अब तक के बार टूरिस्ट बिल्कुल ना के बराबर मनाली जाने लगे, लेकिन आजकल मनाली में थोड़ी बहुत टूरिस्ट को भीड़ देखने के लिए मिल रही है। मनाली में उम्मीद है स्नोफॉल के इस सीजन में मनाली का टूरिज्म जो पूरी तरह से रिकवर हो जाए। वेल गाइस, मेरा नाम अनुराग कौर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। इस वीडियो में बात करूंगा मनाली की, क्या मनाली आप नवंबर में जा सकते हो, नवंबर में मनाली में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। साथ ही मैं बात करूंगा रोहतांग पास की, नवंबर में रोहतांग पास खुला होता है या फिर बंद, क्या आपको मनाली में नवंबर में स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगी, साथ ही मैं आपको स्नो कहां पर देखने के लिए मिलेगी, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवंबर में मनाली में विंटर सीजन की शुरुआत हो जाती है, इस टाइम यहां पर ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करूं मैं टेम्परेचर की, तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 15 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। नवंबर में मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर साफ मौसम देखने के लिए मिलेगा, सुबह और शाम को आपको यहाँ पर ठंड देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगर जो मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, तब तो जो ठंड है काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपका नवंबर में मनाली आने का प्लान है तो अपने साथ वुलन क्लॉथ जरूर लेके आएँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ आपको नवंबर में मनाली में क्या देखने के लिए मिलेगा। नवंबर में मनाली में ग्रीनरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और साथ ही में आपको माउंटेन्स में स्नो देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात करूँ मैं स्नोफॉल की, नवंबर में मनाली में स्नोफॉल होता है, लेकिन स्नोफॉल सिर्फ हाइट वाली जगह पे होगा, जैसा कि आपका अटल टनल हो गया, सिसु हो गया, खोक्सर हो गया और रोहतांग पास हो गया। इन जगहों पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्नोफॉल होने के। अगर बात करूँ मैं सोलांग वैली की, तो नवंबर में सोलांग वैली में स्नोफॉल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि नवंबर में रोहतांग पास खुला होता है या फिर बंद होता है। वैसे तो मैक्सिमम टाइम रोहतांग पास नवंबर के फर्स्ट वीक तक बंद हो जाता है, ये डिपेंड करता है स्नोफॉल पर। रोहतांग पास में अक्टूबर से स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, अगर वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होता है उसके बाद ही रोहतांग पास बंद होता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ स्नो की और आप स्नो एक्टिविटी कहाँ पर कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया आपको नवंबर में स्नोफॉल अटल सिसु और खोक्सर में देखने के लिए मिलेगा। इन जगहों पे आपको स्नो भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको स्नो एक्टिविटी करनी है तब आप खोक्सर में कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की स्नो एक्टिविटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए मैं बात करता हूँ आपको मनाली नवंबर में क्यों आना चाहिए। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो, आपको कम खर्चे मनाली घूमना है, तो नवंबर आपके लिए बेस्ट मंथ है। इस टाइम आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा होटल टैक्सी और स्नो एक्टिविटी करने में। इस टाइम यहाँ पे काफ़ी कम क्राउड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका फीचर डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। इस टाइम आपको एडवांस होटल बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, आप यहीं पे ऑफलाइन आप होटल बुक कर सकते हो। अगर बात करूँ मैं रोड कंडीशन की, थोड़ी बहुत रोड की कंडीशन ख़राब है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप वहाँ तक ना पहुँच सके। बाकी रोड को ठीक करने का काम चला है, उम्मीद है तब तक की रोड की कंडीशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें या फिर नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।